नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज हम कक्षा 10 के इंग्लिश प्रोज के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द इंचेंटेड पूल, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हमने कक्षा 10 की इंग्लिश रीडर को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया है तो आप हमारे चैनल की क्लास 10th इंग्लिश रीडर की प्लेलिस्ट से कक्षा 10 की इंग्लिश रीडर की तैयारी कर सकते हैं और ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला भी आज से हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए हमने एक विद्या ली है। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और कौन से प्रश्न किस सन में पूछे गए थे, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि हु वाज यक्षा, व्हाट क्वेश्चंस डिड ही आस्क युधिष्ठिर, यक्ष कौन थे और उन्होंने युधिष्ठिर से कौन से प्रश्न पूछे। या फिर इसी प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हु इन रियालिटी वाज द यक्षा एंड वाई डिड ही कम, वास्तव में यक्ष कौन थे और वो क्यों आए थे। तो आप इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये क्वेश्चन मैंने करवाया है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में, इसीलिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा। और दूसरा प्रश्न जो आपका पूछा गया है ये 2019 में आया था कि राइट एनी थ्री क्वेश्चंस दैट यक्षा आस्क युधिष्ठिर, व्हाट रिप्लाई डिड युधिष्ठिर गिव टू दीज क्वेश्चंस, यानी राइट एनी थ्री क्वेश्चंस, किन्हीं तीन प्रश्नों के प्रश्न लिखिए दैट यक्षा आस्क युधिष्ठिर, जो यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछे, व्हाट रिप्लाई डिड युधिष्ठिर गिव टू दोज क्वेश्चंस, और उस प्रश्नों का युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया था। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए सीधा, मैं पूरा बताने नहीं वाला क्योंकि ये सब कुछ मैंने कराया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी श्रृंखला में है कि व्हाई डिड युधिष्ठिर वांट माद्रीज सन नकुला रिवाइव इन प्रेफरेंस टू हिज ब्रदर ब्रदर्स, यानी अपने अन्य भाइयों के बजाय युधिष्ठिर माद्री के पुत्र नकुल को क्यों जीवित करना चाहते थे। ये देखिए 2012 में आया है। और एक बात बता दूं कि ये प्रश्न थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और देखिए यही प्रश्न किस तरह से पूछा गया, व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिर प्लीज द यक्ष मोस्ट, युधिष्ठिर की किस क्वालिटी ने यक्ष को सबसे ज़्यादा प्रसन्न किया, व्हाट डिड ही डू देन, और तब उसने यानी यक्ष ने क्या किया था। ये प्रश्न पूछा गया था 2013, 16, 17 और 19 में। फिर से कि हाउ डिड यक्ष रिवार्ड युधिष्ठिर, गिव रीजन फॉर रिवार्डिंग हिम, यानी यक्ष ने युधिष्ठिर को कैसे पुरस्कृत किया था और गिव रीजन कारण बताइए, यानी किस कारणवश युधिष्ठिर को यक्ष ने पुरस्कृत किया था। और यही प्रश्न पूछा गया था 14, 15, 16, 17 में। देख सकते हैं आप कि ये प्रश्न कितना इम्पॉर्टेंट है। और यही चीज़ कि वाई डिड युधिष्ठिर आस्क फॉर नकुलास लाइफ, यानी युधिष्ठिर ने नकुल के जीवन को क्यों मांगा था, ये प्रश्न पूछा गया था 2017 में। तो इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और बात करते हैं लास्ट प्रश्न की जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप में है, वो है गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ युधिष्ठिर। देखिए भैया, युधिष्ठिर का, लेंचो का और हो सके तो सुकरात का भी कैरेक्टर स्केच जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर और लेंचो का तो जरूर याद कर लीजिएगा, आप यहाँ से याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर। तो इंचेंटेड पुल के शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि व्हाट डाउट्स केम इन द माइंड ऑफ युधिष्ठिर व्हेन हिज ब्रदर्स डिड नॉट रिटर्न। तो ये पूछा नहीं गया था कभी भी, लेकिन फिर भी इन्होंने दिया है। विद्या का प्रयोग मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप समझ सके कि कौन कौन से प्रश्न ज़्यादा बोर्ड में पूछे जाते हैं, अर्थात जो ज़्यादा पूछे जाते हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को उन्हीं कहा जाता है जो ज़्यादा पूछे जाते हों। तो व्हाट डाउट्स, कौन से संदेह केम इन द माइंड ऑफ युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के मन में कौन से संदेह आए थे व्हेन हिज ब्रदर्स डिड नॉट रिटर्न, जब उनके भाई वापस नहीं आए। दूसरा प्रश्न है कि वेयर डिड युधिष्ठिर फाइंड हिज ब्रदर्स एंड इन व्हाट कंडीशन, युधिष्ठिर को उनके भाई कहाँ और किस अवस्था में मिले थे। ये सारे कहीं भी पूछे नहीं गए हैं, लेकिन आपको अगर लिखना हो तो लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलें अगर, तो सबका आंसर है इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। व्हाट डिड युधिष्ठिर थिंक अबाउट हिज ब्रदर्स एंड व्हाट डिड ही वंडर, व्हाट डिड युधिष्ठिर थिंक अबाउट हिज ब्रदर्स, युधिष्ठिर अपने भाइयों के बारे में क्या सोच रहे थे एंड व्हाट डिड ही वंडर, और वो किस बात से आश्चर्यचकित थे। अगला प्रश्न है कि व्हाई डिड ही डिसेंड इन टू द पूल, वो तालाब में क्यों उतरे, व्हाट हैपेंड देन, और उसके बाद क्या हुआ।
अगला प्रश्न कि होम डिड द पूल बिलोंग टू, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, भले ही इसमें कहीं पर लिखा नहीं है, इसको याद कर लीजिएगा कि होम डिड द पूल बिलोंग टू, वहाँ पूल किससे संबंधित था। व्हाट डिड ही टेल युधिष्ठिर अबाउट द डेथ ऑफ हिज ब्रदर, और उसने युधिष्ठिर को उनके भाइयों की मृत्यु के बारे में क्या बताया। ये होम डिड द पूल बिलोंग टू, ये आपको याद होना चाहिए, ये वाला प्रश्न, ठीक है, याद कर लीजिएगा, चाहे जैसे याद कीजिए। अगला प्रश्न है कि हाउ कैन लर्निंग बी अ फ्रेंड टू अ ट्रैवलर, यानी एक यात्री का ज्ञान साथी कैसे हो सकता है। अब ये है सातवां प्रश्न कि हाउ अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर, यानी युधिष्ठिर के अनुसार, और श्री राजगोपाला या फिर श्री राजगोपालाचारी के अनुसार, कैन ए मैन बिकम हैप्पी एंड रिच, एक व्यक्ति धनी और प्रसन्न कैसे हो सकता है। ये प्रश्न पूछा गया 2012 में, 13 में, 14 में, 15 में, 18 में और 19 में ये एग्ज़ाम हुआ था, सॉरी ये एग्ज़ाम है 20 का, अब आप 21 में एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, 2020 की पुस्तक है ये। आठवां प्रश्न है कि वेन वाज यक्षा प्लीज्ड, यक्ष कब प्रसन्न हुआ। व्हाट डिड ही आस्क युधिष्ठिर अबाउट, और उसने युधिष्ठिर से किस बारे में पूछा। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, व्हाट अकॉर्डिंग टू हिज दिस लेसन आर द क्वालिटीज विच मैन मस्ट हैव, इस अध्याय के अनुसार एक व्यक्ति में कौन से गुण अवश्य होने चाहिए। ये प्रश्न आप देख सकते हैं कि वाई हैड यमा टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, किसी भी बॉटल पेपर को आप उठाएंगे तो आपको ये प्रश्न मैक्सिमम चांसेस है कि मिल जाए, यानी वाई हैड यमा टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा, यम ने यक्ष का रूप क्यों धारण किया था। और ये मैंने अपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी कराया था, जब मैं आपका एक्सरसाइज करा रहा था द एंचेंटेड पूल का, सारा का सारा सिलेबस आपको क्लास 10th इंग्लिश रीडर की प्लेलिस्ट में मिलेगा। 11वां प्रश्न है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के अनुसार इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। ये प्रश्न पूछा गया 2013, 15 और 16 में। व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिर प्लीज द यक्षा मोस्ट, युधिष्ठिर के किस गुण ने यक्ष को सबसे ज़्यादा प्रसन्न किया था, ये प्रश्न भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, बर्थ, लर्निंग और गुड कंडक्ट, एक व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण कौन बनाता है, जन्म, ज्ञान या फिर अच्छी संगति। ये 2013, 16, 17, 19 और 18 में पूछा गया प्रश्न है कि व्हाट क्वालिटीज मेक्स अ मैन अ रियल ब्राह्मण, ठीक है। ये लास्ट है कि हू सन वर्णकुला एंड सहदेव, ये मैंने आपको कराया है और यहाँ पे है कि नकुल और सहदेव किसके पुत्र थे, तो नकुला वाज द सन ऑफ माद्री एंड सहदेव वाज द सन ऑफ कुंती। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो सहायता प्रदान करेगा बोर्ड की तैयारी करने में। अच्छे से तैयारी कीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए और अगले वीडियो लेक्चर में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।